ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नूरपुर के सुल्यानी पंचायत के बस अड्डे में बना शौचालय बिना किसी विभाग के परमिशन के तोड़ दिया गया। शौचालय को तोड़ने के लिए किस विभाग द्वारा परमिशन दी गई? पूर्व प्रधान कृष्ण हीर ने बताया कि लगभग 10 वर्ष पहले लोगों की डिमांड पर यह शौचालय बनवाया गया था, पर सवाल ये है कि सरकार द्वारा निर्मित प्रॉपर्टी को कोई भी जब मर्जी तोड़ सकता है और विभाग आंखें मूंद कर बैठा है। किसी भी विभाग का कोई भी कर्मचारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर ये शौचालय किसने और किसकी अनुमति से तोड़ा है। नूरपुर के सुल्याली पंचायत के बस अड्डे में बना शौचालय बिना किसी विभाग की परमिशन के तोड़ दिया गया। शौचालय को तोड़ने के लिए किस विभाग द्वारा परमिशन दी गई थी, ये प्रश्न है। पूर्व प्रधान कृष्ण हरी ने बताया कि लगभग 10 वर्ष पूर्व लोगों की डिमांड पर इस शौचालय का निर्माण कराया गया था। उस समय मंत्री रहे स्वर्गीय सत महाजन ने इस शौचालय के लिए 25,000 रूपए दिए थे, लेकिन किन लोगों ने और क्यों इस शौचालय को गिराया गया, ये प्रश्न है। कुछ राजनीतिक लोगों का इस शौचालय को गिराने में हाथ है। अगर गिराना भी था तो क्या पहले पंचायत या लोक निर्माण विभाग से NOC लेनी जरूरी नहीं समझी गई? देखिए, ये कोई 10 साल पूर्व बस स्टैंड पे लोगों की डिमांड पर जो एक शौचालय का निर्माण किया गया था, जिसके लिए हमें कुछ NGO ने, कुछ युवक मंडल और महिला मंडलों का प्रेशर था। माननीय मंत्री श्री सत महाजन जी ने हमें जो इसके लिए 50,000 रुपये जो शौचालय के निर्माण हेतु दिया था उस समय, और इन बिटवीन ये पता नहीं अब किन लोगों ने इसको गिराया, मेरे को तो पता नहीं है। और पॉलिटिकली लोग शायद कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने इसको गिराने में उनका हाथ है, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये लोगों की सुविधा हेतु जो चीज़ बनाई गई थी, अब बिना अगर गिराना भी था तो इसके लिए एक प्रॉपर वे होता है, जिसके लिए एक पंचायत की NOC चाहिए होती है, प्रस्ताव होता है और डैमेज सर्टिफिकेट होता है इसके लिए एक, तो वो NOC शायद अब पता नहीं, आप अपने तौर पर पता कर लीजिए कि PWD डिपार्टमेंट ने इसके लिए NOC दी है या पंचायत ने NOC दी है। मेरे को अब इसके बारे में कोई प्रॉपर जानकारी मुझे नहीं है कि ये किसकी परमिशन से जो गिराया गया है। वहीं वार्ड सदस्य सुनील कुमार ने बताया कि उस शौचालय में बहुत गंदगी थी और ये शौचालय कभी भी इस्तेमाल करने लायक नहीं था। वार्ड सदस्य भी इस मामले में सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं और टाल मटोल कर रहे थे, पर सवाल ये है कि सरकार द्वारा निर्मित प्रॉपर्टी को कोई भी जब मर्जी से तोड़ सकता है और विभाग आंखें मूंद कर बैठा है। किसी भी विभाग का कोई भी कर्मचारी जवाब देने को तैयार नहीं है कि आखिर ये शौचालय किसने और किसकी अनुमति से तोड़ा गया। जी, जो पुराना बाथरूम जो टूटा है ना जी, इसमें इतनी गंदगी थी सर कि कभी भी यूज इस्तेमाल के होने के लायक ही नहीं रहा जी। ना तो कोई जाता था जी, साइड में इतनी गंदगी थी कि जिसको टॉयलेट वगैरह लगी है वो सारा बीच में, मतलब बहुत बुरी हालत थी। लोग बेचारे जो बस स्टैंड पे लेडीज उतरती थी वो आसपास में जो घर है वहाँ पे टॉयलेट इस्तेमाल करती थी। अभी वहाँ वो जो पुराना टूटा है जी, उसके बदले ये नया बना है जी, वो इतना बढ़िया अच्छा बनेगा कि बस स्टैंड में हमारी माताएँ जो है आती है, बेचारे आदमी तो चलो साइड बैंड में शौचालय कर लेते हैं, लेकिन वो भी उनको भी इस्तेमाल करने के लिए ये बढ़िया हो जाएगा जी, और हमारी मातृशक्ति के लिए भी ये बहुत अच्छा।